हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओप्पो के K1 मोबाइल के बारे में। फाइनली ओप्पो की नई सीरीज आई है K1, और K1 मोबाइल को जो है ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप देख सके हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोन के बारे में, फोन जो है फिनिशिंग ग्लास के साथ आता है जो कि अपने लुक को और भी बेटर बना देता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको जो है यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिलेगा, जैसा कि ओप्पो के F9 Pro में आपने देखा था। ऐसे में अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहीं पर आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इन डिस्प्ले में ही मिलने वाला है, यानी कि डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट सेंसर की होने वाली है, जैसे कि वीवो Y11 में देखने को आपको मिली हो। ऐसे में अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 660 को यूज किया गया है। अगर हम सेल्फी की बात करें, तो सबसे पहले आपको फ्रंट में बता दें कि इस फोन के अंदर 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बैक कैमरे की बात करें तो 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओप्पो का जो स्मार्टफोन है वो सेल्फी के लिए ज्यादा माना जाता है, इसीलिए सेल्फी तो एकदम यहाँ पर परफेक्ट मिलने वाली है। ऐसे में बात करने वाले इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ यह है ओरियो 8.1 पर रन करेगा। और ये अगर हम बात करें इसकी रोम की और रैम की, तो यहाँ पर जो है 4 GB के रैम के साथ 64 GB स्टोरेज और 6 GB के रैम के साथ भी 64 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं अगर इसकी हम बैटरी की, तो बैटरी आपको इस पर 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। आपको ये भी बता दूं, आप इस फोन में अलग से मेमोरी कार्ड लगाकर इसके स्टोरेज को 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। ये अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी कीमत की, चाइना के हिसाब से जो इसका 4 GB रैम वाला वेरियंट है उसकी कीमत 16,000 रुपए और साथ ही साथ 6 GB रैम वाले फोन की कीमत 19,000 रुपए रखी गई है। ऐसे में अगर ये फोन इंडिया में कब तक आएगा, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट या फिर नवम्बर में आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल जाए। और ये फोन की कीमत अगर 15,000 रुपए ही इंडिया के अंदर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में आप इस... मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का छोटा सा वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 200 लाइक के लिए। मुझे पता है इतना लाइक तो आप कर ही देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।